2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी, लेकिन 57 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाला ये प्लेन 3 घंटे तक सही डायरेक्शन में उड़ने के बाद अचानक से आसमान से गायब हो गया, जिसे मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाया। लेकिन 37 साल बाद अचानक से ये प्लेन आसमान में दिखाई दिया, पर उस दौरान ये वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 21 मई 1992 की सुबह वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग जब रोजाना की तरह अपने काम को अंजाम दे रहे थे, तब उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देख वो हैरान रह गए। दोस्तों, वो एक प्लेन था जो बिना रडार में आए हुए सीधा एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होने जा रहा था। जैसे ये प्लेन रनवे के करीब आया, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने देखा कि इसका मॉडल बहुत ही ज्यादा पुराना है, जो आज के समय इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब ये प्लेन लैंड करने ही वाला था, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसके पायलट से रेडियो सिग्नल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये मिस्टीरियस प्लेन कहां से आया है। जब उस पायलट से इसके बारे में पूछा गया, तब उस पायलट का कहना था कि ये फ्लाइट 914 है जो कि मियामी में लैंड करने जा रही है। ये सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये वेनेजुएला का एयरपोर्ट है, जिसे सुनने के बाद वो पायलट शांत रह जाता है, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन से 1930 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। जैसे ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब उसके बाद बहुत सी अजीब चीजें हुई, क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने ये नोटिस किया कि इस प्लेन में बैठे सभी यात्री पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। साथ ही वो एयरपोर्ट पर रखे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ समय की शांति के बाद अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फिर से इस प्लेन के पायलट की आवाज़ सुनाई देती है, जो घबराते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछता है कि आखिर आज का डेट क्या है। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बताता है कि आज 21 मई 1992 है। इतना सुनने के बाद मानो उस पायलट के होश उड़ जाते हैं, और वो तुरंत ही अपने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांकते हुए ग्राउंड क्रू से इशारों में ये कहता है कि अब उसे इस प्लेन को लेकर वापस जाना है। जिस समय वो पायलट ग्राउंड क्रू की तरफ इशारा कर रहा था, तब उसके हाथ से कागज का टुकड़ा एयरपोर्ट पर गिर गया था, जिसके तुरंत बाद ही उस प्लेन ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर आया, और उन्होंने पायलट के पास से गिरे उस कागज के टुकड़े को रनवे से उठाया, और उस टुकड़े को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि वो कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि साल 1955 का एक कैलेंडर था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके भविष्य में आ गया है। खैर, बाद में इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की गई, पर इसको लेकर किसी के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा, जिस वजह से बहुत से लोगों ने इसे टाइम ट्रैवल की घटना मान ली। टाइम ट्रैवल थ्योरी के कुछ फैंस का तो ये तक कहना है कि शायद ये प्लेन किसी वर्म होल में एंटर कर गया होगा, जिसने इसे 37 साल बाद भविष्य में भेज दिया। अब अगर आपको इस थ्योरी में जरा सा भी मजाक लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट भी वर्म होल के एग्जिस्टेंस को मानते थे। उनके मुताबिक स्पेस एक पेपर शीट की तरह है, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आपको पेपर के साथ चलना होगा, पर अगर आप पेपर को हाफ में फोल्ड करके दोनों ही पॉइंट्स को एक साथ ले आते हैं, तब ये उनके बीच में ट्रैवल करने का सबसे इजी तरीका होगा। हालांकि भले ही साइंटिस्ट वर्म होल के एग्जिस्टेंस को मानते हो, पर ये कोई नहीं जानता कि ये वर्म होल आखिर है कहाँ पे। आज तक किसी ने इन्हें नहीं देखा है, तो क्या ये घटना सच में एक टाइम ट्रैवल था? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ये पूरी तरह से एक झूठी खबरें थी, जिसे वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक न्यूज़पेपर द्वारा सबसे पहले 1985 में सर्कुलेट किया गया, क्योंकि ये ऐसी फेक स्टोरीज छाप कर अपने पेपर सेल करवाते थे। हद तो तब हो गई जब इस न्यूज़पेपर द्वारा 1993 और 1999 में भी फ्लाइट 914 की फेक न्यूज छापी गई, और हमारे ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट द्वारा इसे दुनिया भर में सर्कुलेट किया गया। खैर, इस घटना के झूठ हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब घटना नहीं हुई है, क्योंकि सालों पहले ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं बहुत हुई है, जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ बहुत से शिप्स और एरोप्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन किसी भी प्लेन या शिप का गायब हो जाना इतना ज्यादा अजीब नहीं है जितना कि फ्लाइट 19 का है, जो कि एक दिन अचानक से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया।
गई थी दिसंबर 1945 में, जब एक दिन 5 प्लेन की एक स्क्वाड्रन 14 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा से 3 घंटे की एक ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी, तब अपने सफर के कुछ ही समय बाद फ्लाइट 19 नाम का एक प्लेन अचानक से मुश्किल में फंस जाता है। उस फ्लाइट के लीडर रेडियो सिग्नल में ये कहता है कि उनकी स्क्वाड्रन खो गई है। इसके बाद ही उनके फ्लाइट के कंपास और अदर इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज भी आनी बंद हो जाती है। कुछ देर तक उनसे कांटेक्ट ना हो पाने के बाद दो और प्लेन्स को स्क्वाड्रन की तलाश के लिए सेंड किया जाता है, लेकिन जब वो दो प्लेन फ्लाइट 19 की लोकेशन यानी कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचता है, तब उनमें से भी एक प्लेन गायब हो जाता है और सिर्फ एक ही प्लेन वापस लौटता है, जिसके पास ना तो स्क्वाड्रन की कोई खबर थी और न ही अपने साथ गई उस रेस्क्यू प्लेन की। आज तक ना तो कोई स्क्वाड्रन के बारे में पता लगा पाया है और न ही किसी को इन सभी मिसिंग प्लेन्स का मलबा मिला है, जिस वजह से ये बर्मुडा ट्रायंगल की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वैसे इसी तरह की एक प्लेन मिस्ट्री साल 2003 में हुई एक चोरी के साथ भी लिंक है, क्योंकि इसमें दो आदमियों ने एंगोला के एक एयरपोर्ट से न सिर्फ एक बोइंग 727 प्लेन को चुरा लिया, बल्कि उसको ऐसी जगह छिपा लिया था जहां से उसे आज तक अमेरिका की FBI और CIA नहीं खोज पाया। मई 2003 में दो एयरपोर्ट एम्प्लॉइज रनवे पर रखे एक बोइंग 727 प्लेन में बैठते हैं और उसे रनवे पर चलाने लगते हैं। उनमें से एक अमेरिकन पायलट था और दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक मैकेनिक था। इन दोनों के ही पास उस प्लेन का एक्सेस था, क्योंकि ये दोनों ही प्लेन में रिपेयरिंग का काम करते थे, पर इनमें से कोई भी प्लेन उड़ाने के लिए सर्टिफाइड तो नहीं था। जब ये दोनों इस तरह से प्लेन को रनवे पर दौड़ा रहे थे, तब कंट्रोल टावर टीम इन्हें देख रही थी और इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर प्लेन से कोई रिप्लाई नहीं आया और जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक इस प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया, जिसे उसके बाद आज तक नहीं देखा गया। जहां एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद कॉन्गो के मैकेनिक द्वारा अपने फायदे के लिए उस प्लेन को चोरी किया गया था, तो ही दूसरे लोग इसे इस प्लेन के ओनर की एक चाल मानते हैं, जिसने इंश्योरेंस मनी क्लेम करने के लिए इन दोनों से ऐसा डेयरिंग काम करवाया था। खैर, आज तक ना तो ये बात साबित हो सकी है और ना ही ये प्लेन और इसके पार्ट्स वापस मिले हैं, जिस वजह से ये दुनिया की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।